गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो अभी हम क्या सीखेंगे, हिंदी में क्या सीखेंगे, अभी हम ग्रामर, व्याकरण, संज्ञा, क्या सीखेंगे, संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या है, नाम। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, नाउन। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, नाउन। आपने इंग्लिश में सीखे होंगे नाउन्स, है ना। तो अभी देखो संज्ञा, जो शब्द उसकी परिभाषा क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। अभी देखो हम सभी जगह देखते हैं, पर किसी ना किसी का कोई ना कोई नाम होता है, उसको किसी नाम से पुकारते हैं ना। अभी मेरा भी एक नाम है, आपका एक नाम है, है ना। हम प्राणियों में मोड़ते हैं, देखो प्राणियों के नाम, राघव, रीमा, राधा, हिरन, हाथी, प्राणियों के भी नाम है, हमारे फ्रेंड के नाम है, फिर उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, है ना। अभी सब हमारे हमारे नाम ही नहीं होते तो हमें कोई पहचानता होगा क्या, हमारे हमें कौन से नाम से पुकारता होगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखो प्राणियों के नाम यहां दिखाई है, वस्तुओं के नाम, अभी वस्तुओं के नाम, आपके हाथ में पेंसिल है ना, उसको क्या नाम है ना, पेंसिल, है ना। किताब, पेंसिल, किताब, फलक, बैग, है ना। जो जो देखो, चेयर, कुर्सी भी कहते हैं ना हम, कुर्सी भी हमारे घर में है, है ना। देखो मेज है हमारे घर में, टेबल है, उसका भी एक नाम है, है ना। इसीलिए देखो वस्तुओं के नाम, फलक, किताब, कलम, पेंसिल, बैग। स्थानों के नाम, अभी देखो पाठशाला, हम क्या बोलते हैं, हम पाठशाला जा रहे हैं, तो वो कोई स्थान का नाम है। बगीचा, मैं बगीचे में खेल रहा हूं, फिर जहां आप क्रिया कर रहे हैं उसका हम नाम लेते हैं ना, कहां खेल रहा हूं, बगीचे में खेल रहा हूं, तो बगीचा क्या हुआ, ये एक स्थान हो गया, है ना। ताजमहल, कुतुब मीनार, ये क्या हो गया, एक स्थान हो गया। किसी की जगह का कोई भी नाम होता है उसको क्या कहते हैं, स्थान का नाम होता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भावों का नाम, देखो प्रसन्न, दुख, गर्मी, खुशी, मीठा, खट्टा, है ना, भावों के नाम। अभी ये हम सिर्फ मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ, क्रिया से दिखा नहीं सकती। फिर मैं प्रसन्न हूं, ये भी क्या हुआ, वो भाव का नाम हुआ, हम जो भाव प्रकट करते हैं उसका क्या हुआ, ये नाम हुआ। मेरा मित्र दुखी है, है ना, ये भाव का नाम हुआ, दुख क्या हो गया, ये एक नाम हो गया। गर्मी, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, तो गर्मी हम कैसे सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना, देखो वो क्रिया में दिखा नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, भावों के नाम। गर्मी, खुशी, मीठा, आम बहुत मीठा है, वो मीठा कैसे है सिर्फ हम बोल सकते हैं, हम वो अनुभव कर सकते हैं, है ना, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, तो वो भाव का नाम हो गया मीठा, खट्टा, है ना। देखो ये अपनी नोटबुक पर लिख कर लो, है ना। व्याकरण, संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम, ये लिख कर लो, ये नोटबुक में लिख कर लो। अभी एक लेसन हमारा हो गया है, सूरज कविता हमारी हो गई है, उसके अगले पेज पर आप ये ग्रामर लिख कर लो, हमारी ग्रामर की एक वर्कशीट भी होगी। उसके बाद लिखकर आप, आपका हुआ है क्या, तो मैं आगे का देती हूं अभी। अभी देखो देशों के नाम, आपको मालूम होंगे ना देशों के नाम, आपको जितने देशों के नाम मालूम होंगे कम से कम 10 लिखो देशों के नाम। आपको मैं थोड़ी देती हूं,
देशों के नाम। भारत, जापान, अमेरिका, ये क्या हो? और आप बाकी के आप 10 तक लिखो, 10 ये बाद में आप कंप्लीट करो देशों के नाम। नदियों के नाम, नाम ये टॉपिक नाम का ग्रामर हमारा अप्रैल मंथ में भी सिखाकर वर्कशीट हुई हो गई है, फिर से हम दोहराएंगे नदियों के नाम। गंगा, यमुना, आगे के आपको जो जो मालूम है वो आप लिखो, ज्यादा से ज्यादा 10 नदियों के नाम। त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, दशहरा, इसके आगे के नाम आप लिखोगे। हाँ, होमवर्क होगा ये आपको। खेलों के नाम, खेलों के नाम। खेलों के नाम सबको अच्छा लगता है ना, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, और भी आप लिख सकते हो। इसके आगे आप एक लाइन छोड़कर हैंडराइटिंग अच्छा लिखो, और अभी देशों के नाम लिखकर एक लाइन छोड़नी है, नदियों के नाम लिखकर एक लाइन छोड़नी है, त्योहारों के नाम लिखकर एक लाइन छोड़नी है, खेलों के नाम लिखकर एक लाइन छोड़नी है। नोटबुक हमारी अच्छी चाहिए। इमारतों के नाम, इमारतों के नाम, नाम समझ गए आपको, संज्ञा समझ गई कि आपको किसी भी वस्तु का नाम। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, देखो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, और भी आप लिख सकते हो। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है।
ये क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम, दिनों के नाम। दिनों के नाम आपने सीखे ना, दिनों के नाम। सूरज की कविता में सोमवार, मंगलवार, दिनों के नाम। आगे के आपको लिखने हैं। देखो ऐसे ही हमें सिर्फ इससे क्या सीखना है कि संज्ञा के मतलब उसका अर्थ क्या है, नाम, नाउंस, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को जिस नाम से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। अभी देखो आपको होमवर्क क्या होगा, इसमें देशों के नाम मैंने तीन ही दिए, आगे के पांच, तीन चार पांच तो आप कम से कम इसमें लिखो। नदियों के नाम लिखो, त्योहारों के नाम लिखो, खेलों के नाम, इमारतों के नाम, व्यक्तियों के नाम और दिनों के नाम। और आपके आसपास में, अभी आपके घर में जो जितने आपको दिखाई दिए वस्तु दिखाई देती है, आपको व्यक्तियों के नाम दिखाई देते हैं, उसके आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे संज्ञा और सब नाम आप लिखकर लेंगे। देखो ये एक पेज पर लिखना है और अगले पेज पर आपको होमवर्क होगा कि आपके आसपास में जो जो वस्तु दिखाई देती है उससे क्या लिखेंगे, आप नाम लिखेंगे, है ना। देखो आपके घर में दादी होगी, नानी होगी, है ना, मम्मी पापा, भाई बहन, उसका आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, एक एक नाम लिखेंगे। समझ गए।